माहिती અનુસાર ગતરોજ સુરતના ઉધનાથી યુપી બિહાર તરફની મુસાફરોની સુવિધા ધ્યાને લેતા અમુક ટ્રેન દોડાવવામાં આવી હતી, જેમાં હજારોની સંખ્યામાં લોકો પોતાના વતન તરફ ગયા હતા. સાથે જ બપોરે 1 વાગ્યા આસપાસ કોઈ ટ્રેન ન હોવાની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી હતી, જો કે લોકો ત્યાંથી હટવા માટે તૈયાર ન હતા, જેને પગલે રાત્રે એક ટ્રેનની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. લોકો 12 કલાકથી અહીં આવી રહ્યા છે અને ટ્રેનમાં બેસવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ ભારે ભીડમાં મહિલાઓ અને બાળકોને પીસાવવાનો વારો આવ્યો હતો. જો કે મહિલાઓ અને બાળકોને રેલવે પોલીસે અલગથી ટ્રેન સુધી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરી છે. આ મહિલાઓ અને બાળકોને 4-5 કલાક જેટલો સમય હેરાન પરેશાન થવું પડ્યું હતું. हम बिहार के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर जिले के. हम यहाँ पे सचिन में काम करते हैं और हर साल की तरह पबनी त्योहार में हम लोग का मुख्य पर्व जो है छठी है. और उसमें क्या है कि यह रेलवे विभाग का जिम्मेवारी होता है कि हर नागरिक के लिए सुविधा कुछ दिया जाए पर्व के समय. जो हम लोग सुबह करीब हम 7 बजे करीब में आए हैं, जो हम बाहर में रोड के सड़क पे लगभग 4 घंटे खड़े रहे हैं. हमको 11:30-12 बजे के टाइम में टिकट दे के एंट्री किया गया है, तो उस समय से कोई ट्रेन ही नहीं. मतलब यहाँ प्लेटफॉर्म पे कितने घंटे से बैठे हो? मैक्सिमम हम कह तो रहे हैं उस समय से आए हैं जो हमको एंट्री दिया है 11:30 बजे. हम आए थे 7:30 बजे. अच्छा, अभी रात में ट्रेन से जाने वाले हो? जी, अभी वो भी अभी ये नहीं कन्फर्म की हम लोग को मिल पाएगा व्यवस्था सीट की नहीं, ये अभी भी कोई कन्फर्म नहीं है. प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हो सर? प्रशासन से हम सुविधा ऐसे चाहते हैं कि सर, जैसे हमारे बिहार के लिए जो गाड़ी चल रही है, अगर 10 चलती है तो सर पर्व में हम उम्मीद करते हैं थोड़ा और बढ़ाइए, 10 और बढ़ाइए, और थोड़ा उम्मीद जनरल बढ़ाइए, क्योंकि मिडिल परिवार के लोग अधिकांश होते हैं सर. हर कोई नहीं है जो हमेशा एसी का कटा के चल पाए. हम लोग क्या 18,000-20,000 का पगार में खा पी के 10,000 घर भेजना है, उसमें हम लोग क्या एसी का टिकट कर पाएंगे? इसकी वजह से सरकार की अनुरोध है कि जिम्मेदारी की सुविधा थोड़ा ज्यादा दिया जाए, जो इंसान के साथ सुविधा में वो घर पहुंच सके अपने पर्व में. बिहार से यहाँ गुजरात में काम करने आते हैं, बिहार के बिहार प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं कि बिहार प्रशासन गुजरात सर इस तरीके से आपको कन्विंस करे बिहार सर किस तरीके से हमारी सुविधा यहाँ से? हमारे बिहार के सरकार से भी हम यही कहते हैं कि वो लोग भी सरकार इस तरह की यहाँ के सरकार से बात करें कि हम हमारे यहाँ के जो नागरिक है आपके राज्य में जाते हैं काम करने, उसके लिए हम भी थोड़ा सहयोग देते हैं और आप भी थोड़ा हमें सहयोग देते हैं कि हमारे यात्रियों को थोड़ा सुविधा मिल सके, क्योंकि हर यात्री अभी कोई 4 बजे से खड़ा है, कोई 5 बजे से, कोई 7 बजे से. हम तो 7:30 बजे से हैं, ट्रेन 3 था तब भी हम लोग को एंट्री नहीं अंदर आने दिए और हम लोग बाहर खड़े रहे और हम लोग का 11:30 बजे जब ट्रेन सारा चला गया तब एंट्री दिया. जो यहाँ आए 4 पे कोई ट्रेन नहीं था, हम लोग का सुबह से बैठे हैं बैठे हम लोग का हुआ कि 3:30 बजे एक ट्रेन है, वो भी रद्द होके 1:20 में हो गया उसका भी ट्रेन. तो उसके बाद एक अचानक हुआ सूचना कि हाँ एक चलने वाला है जो इसका अर्ध नारी कह के, तो उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं कि चलो गोरखपुर तक चले जाएंगे, तो वहाँ से फिर अपना मुजफ्फरपुर के लिए आगे का देख लेंगे अगर मिल जाए. दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर उत्तर भारतीय प्रवासी जो भी सूरत में कामगार मजदूर के तौर पर जो शहर में रह रहे हैं व्यावसायिक तौर पर या अन्य किसी अन्य तरह के नौकरी के तौर पर, वो छठ पूजा मनाने के लिए दीपावली के अवसर पर अपने घर की ओर जा रहे हैं और उनके लिए रेल प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से यात्रियों को सुरक्षित उनके कोच में बिठाना और कोच से उनकी गाड़ी पकड़वा करके उन्हें गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी को हम लोग सुगमता पूर्वक सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करते. सर आने वाले कल में कितनी ट्रेनें चलने वाली है? आने वाले कल में अभी 23:30 को उधना से गोरखपुर के लिए, 23:00 को BGTS से गोरखपुर जाएगी, वो भी पूरी की पूरी अंत्योदय टाइप से है, पूरी की पूरी जनरल कोचेज भी है, 22 कोचेज के कम्पार्टमेंट से है. इसके बाद 4 बजे उधना से मऊ के लिए, फिर 5:30 में उधना से कानपुर के लिए, फिर 8:35 में उधना से छपरा के लिए और 10:21 में उधना से छपरा के. ये सब अनारक्षित है सर? आरक्षित है चलने वाले? इसमें 4 ट्रेनें अनारक्षित हैं और 2 ट्रेनें आरक्षित तथा अनारक्षित दोनों. अवतिकाले वो सवार सुधी आई थी कानपुर गोरखपुर मऊ अने यूपी अने बिहार में अलग अलग जगह माटे स्पेशल ट्रेन ना गोठाववामां आवेल छे अने सूरत शहर सूरत रूरल विस्तार अने एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट थी
વધારે ભીડ અહીં અહીં આવવા માટે સંભાવના છે, જેથી આ બંદોબસ્ત યોગ્ય રીતે થાય અને આ રેલવે સ્ટેશનમાં ક્રાઉડના કંટ્રોલ સારી રીતે થાય, સુચારુ રૂપે થાય તે માટે સુરત સિટી પોલીસના અને ગુજરાત રેલવે પોલીસના ફોર્સ તૈનાત છે. અને આના સિવાય ટ્રાફિકના વધારાના ફોર્સ લગાવવામાં આવેલ છે અને સિનિયર ઓફિસર અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી પૂરતા પ્રમાણમાં રેલવે સ્ટેશનમાં ડિપ્લોય કરેલ છે. અને ઉધના રેલવે સ્ટેશન અને મહેદપુરા સુરત રેલવે સ્ટેશન બંને જગા ઉપર પોલીસના બહુ પૂરતા માણસો છે અને પબ્લિક અને જે સવારી છે તમામને કોઈ પણ તકલીફ ના થાય તે માટે અલગ અલગ વ્યવસ્થા ગોઠવવા માટે રેલવેના અધિકારી સાથે ચર્ચા કરવામાં આવેલ છે અને અત્યારે પોલીસના અને રેલવેના કામગીરી ચાલુ છે. થેન્ક યુ. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇનાયત મંસૂરી, સુરત.